ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। कल हमने कुछ एंगल्स बनाने सीखे थे, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बना के बताना है, ठीक। तो फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसको नाम भी देंगे, हर एक लाइन को नाम देंगे और एंगल को नाम देंगे। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री शो करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए देखो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन खींचेंगे ए बी, ठीक है। यहां से पहले 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा आपको। ये बनाया, ये दो आर काटे, ठीक है। अगर आप नहीं भी चाहते तो इसको आधा बना दीजिए, बस यहां तक तो बनाना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल की बात हो रही है, ना कि 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है, तो आप इसको कहीं पे भी नाम नहीं देंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है 45 क्या होता है, 90 का आधा होता है ना, मतलब उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा अपन को। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एक आर्क कंपास को यहां पर रखिए, एक आर्क काटेंगे यहां से, एक आर्क काटा नीचे से ये वाला, और एक काटा 90 डिग्री वाले यहां से। तो बेसिकली जो दो आर्क काटे हैं आपने, किसी भी मेजरमेंट के हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कंपास बड़ा हो छोटा हो लंबा हो मोटा हो कैसा भी हो, और फिर ड्रॉइंग कर दीजिए। सो दिस इज योर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। दिस इज योर 45 डिग्री, ओके, मिटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे अभी अपन, थर्ड उठ जाइए, थर्ड पे आएंगे हम। आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है, 75 डिग्री। कुछ ही एंगल्स कंपास से बन सकते हैं, मैंने 60, 120, 90 सिखा दिया आपको, 45 सिखा दिया, अब बना दे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए आपको पहले वही ये 60 वाला कट, ये 120 वाला कट, इन दोनों कट से एक 90 वाला कट लगा देना छोटा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, ये 60 वाले कट से और एक 90 वाले कट से, यहां पे प्रकार का यहां पेंसिल रखी, एक आर्क यहां से काटा, एक आर्क यहां से काटा, इसको आगे ले गए, ये जो एंगल बनाया ना ये बन गया आपका 75 डिग्री का एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो है, ठीक है, वो होता है आपका 75 डिग्री। मिटा दीजिए, यहाँ पर 75 डिग्री का बन गया। अब आपको बनाना है सेकेंड वाला 115 डिग्री, 115। तो 115 जस्ट उल्टा होता है इसका, एक आर्क आप 90 से काटेंगे, एक आर्क आप 60 की बजाय 120 से काटेंगे, तो ये बनेगा बाहर की साइड, तो ये आपका पूरा एंगल हो गया 115 डिग्री। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपका इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, थर्ड एंगल बनाना है आपको 135 डिग्री का। यहाँ पर वही एंगल्स क्वेश्चन में दिए हैं जो कि कंपास से बन सकते हैं, जो कंपास से नहीं बन सकते वो एंगल्स आपको नहीं दिए हुए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास है, सबसे पहले आप ए बी लाइन कीजिए, इसको पूरा बनाना है आपको, यहां तक ये आपकी आगे जो कॉपी की लाइन होती है ना उससे टच होना चाहिए यहां पर,
एक आर्क यहाँ पे काटा, एक आर्क यहाँ पे काटा, वही 90 डिग्री वाले हिसाब किताब कर दिया। 90 डिग्री का एंगल पूरा नहीं बनाना क्योंकि मेरे को 90 डिग्री वाले से मतलब ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री बनाना ही नहीं है, 90 डिग्री वाले से मतलब ही नहीं है, सही बात है। यहाँ पर आपको मतलब है 120 और 180 वाले से, 120 से एक आर्क काटा, 180 से एक आर्क काटा और उसको सीधा खींच दिया, यहाँ पर बन गया 135 डिग्री। आप बोलोगे सर हम कैसे याद रखें कि कौन सा एंगल किससे बनेगा, ठीक है? तो देखिए आपके पास है ना डिफरेंट सेगमेंट होते हैं इसमें, ठीक है? तो खुद समझिए, जैसे कि ये आपका वो है चक्कर, ये यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। अब आपको है ना 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का, तो आपको बताएं वो 60 और जीरो के बीच में होगा, 0 टू 60 के बीच में, तो इन दोनों से एक एक आर्क काट दीजिए। आपको 75 को बनाना है तो आपको पता है 75 60 और 90 के बीच में होता है, तो इन दोनों से एक आर्क काट दीजिए, ठीक है? आपको पता है 115 डिग्री 90 और 120 के बीच में होता है, तो इन दोनों से आर्क काट दीजिए। और 135 इसके और इसके बीच में होता है, 180 के बीच में, 120 और 180 के बीच में होता है, तो इनसे आर्क काट दीजिए, ठीक है? सिमिलरली 45 डिग्री होता है आपका 90 का आधा, सॉरी 45 होता है आपका, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको रुकिए, ये गलत है। 45 होता है 90 का आधा, तो ये 90 और जीरो से कटेगा, और 135 का मेरे पहले मिस्टेक कर दी, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जो मैंने एंगल बनाया है 135 डिग्री का नहीं था, इसके लिए आपको 90 बनाना पड़ेगा। 90 बनाया आपने पहले, उसके बाद एक आर्क कटेगा 90 से, एक आर्क कटेगा यहां से, तब जाके ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक तो 180 से और एक 90 से, तब जाके 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सॉरी जो गलत करवाया था उसके लिए। ओके तो आप बोलेंगे सर फिर जो आपने पहला एंगल बनाया था वो कितने डिग्री का था? बेटा वो आपके 150 डिग्री का एंगल था जो जिससे बेस पहले बनवाया था मैंने, ठीक है? तो आपके पांच एंगल हो गए अभी तक, पांच एंगल बनाने हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन एंगल बनाने, फर्स्ट है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ए बी किया, यहां से आर काटा, ये 60 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है? तो 30 का होता है 60 का आधा, तो एक आर काटोगे आप यहां से, एक आर काटोगे 60 से, तो ये एंगल बायसेक्टर बनाया अपन ने इसका, जो मैंने पहली क्लास में सिखाया था, ये होगा 30 डिग्री का एंगल, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका है 22.5 डिग्री, तो 22 एंड हाफ होता है 45 का हाफ, तो पहले आप क्या करेंगे, ए बी थोड़ा बड़वाना बना रहे इसको, पहले 90 बनाइए, ठीक है? अब यहां से एक आर्क काटिए, यहां से एक आर्क काटिए, यहां काटे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको पूरा मत खींचिए आगे तक, छोड़ दीजिए, 45 डिग्री को यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि इसने 45 थोड़ी पूछा है, 45 का भी आधा पूछा है, तो वापस से 0 डिग्री से एक आर्क और 45 डिग्री से एक आर्क काटिए, ये जो बहुत छोटा सा एंगल बनेगा ना ये बनेगा आपके 22.5 डिग्री, जिसे कहते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ठीक है? या
अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। मैंने आपको बताया था 30 डिग्री का एंगल बनाना, ऐसे कुछ बना था वो 30 डिग्री का एंगल 60 से ऐसे करके, ठीक है। तो आप 30 डिग्री के एंगल को पूरा मत बनाइए, सिर्फ यहां तक बनाइए। अब इसको भी हाफ कर दीजिए, इसका भी बाइसेक्टर कर दीजिए, तो ये 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। आपको ये बनाना था। तो कुल मिलाकर अच्छी बात यह है, थोड़ा सा समझना, एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखा था हमने, मतलब हम एंगल को आधा कर देते हैं, ठीक है। एंगल को आधा करते कैसे करते हैं, ये एंगल है 60 डिग्री वाला कट है, तो 0 से एक आर्क काटो, 60 से एक आर्क काटो, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। 0 से एक आर्क काटो, 30 से एक आर्क काटो, ये हो जाएगा 15 डिग्री का, 15 डिग्री। जस्ट लाइक दैट, दिस इज योर 90 डिग्री, इसका हाफ काटो, कैसे, 0 से कार काटो, 90 से कार काटो, हो जाएगा 45 डिग्री। फिर 45 डिग्री से 0 से कार काटो, 45 से कार काटो, हो जाएगा अपना 22.5 डिग्री, ठीक है। बात करते हैं 75 डिग्रीज की, 75 डिग्रीज, ये 60, ये 90 बना दिया अपने आधा, 60 और 90 से कार काटो, हो जाएगा आपका 75 डिग्रीज का। तो ऐसे करके आपके सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग है, अपन आगे जाके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने हैं अपन को, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स ले आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाए तो बहुत बढ़िया बात है, चैप्टर मैं तो करवा दूंगा, आप होमवर्क मत भेजिए, नोटिस मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मुझे पता है क्लास थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन ये क्लास क्या करें, कंस्ट्रक्शन की है तो ये अभी इतनी ही रहेगी इनकी लेंथ। अगर ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका मिक्सअप हो जाएगा काफी सारा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।